आज मैं आपको एक ही मील में दाल और सब्जी दोनों को ही मिक्स करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ चना दाल को मैंने धोकर उबलने के लिए नमक, हल्दी और दालचीनी ले लेना है थोड़ा ज़्यादा, और बड़ी इलायची ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए, और उसे पका लेना है 3 से 4 विसिल लगाकर। और देखिए मैंने सोयाबीन को सोख करके रखा था 1 से 1.5 घंटा, देखिए अच्छे से सोख हो गया क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। उसके बाद मैंने इसे पानी निचोड़ कर तेल में हल्दी के साथ इसको फ्राई कर लिया थोड़ा। और इधर मैंने ग्रेवी के लिए दही लिया। दही में देखिए मैंने धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर और रेड चिली डालकर उसे पाउडर बनाकर दही में मिक्स कर लिया। और इधर फिर थोड़ा सा तेल में मैंने जीरा पकाया और बारीक कटा प्याज एक बड़े साइज का लेना है, छोटा है तो आप 2 ले सकते हैं, और उसे गोल्डन ब्राउन करना है लो फ्लेम पर अच्छे से, तेज आंच पे वो जल जाएगा। और उसमें थोड़ा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर फिर थोड़ा भूनेंगे। और दही में मैंने मसाला की ग्रेवी बनाया था उसे उसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि मसाला ऑलरेडी भूनकर मैंने तैयार किया था। अब इसमें हम दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे और दाल को हल्का सा मिलाएंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद उसमें जो सोयाबीन मैंने फ्राई किया था उसे उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से 1 से 2 मिनट, ताकि उसमें पानी उसका एब्जॉर्ब हो। सोयाबीन थोड़ा ड्राई होता है, सूखा होता है। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, कच्चे आलू को आप सोयाबीन के साथ फ्राई करके ही ऐड करें जब भी करें। तो दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।